वेलकम फ्रेंड्स इन माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे का ये वीडियो। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता शहर में हुआ था और यह एक भारतीय थे। इनके गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और एक प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इनके पिता का नाम श्री विश्वनाथ दत्त था और इनकी माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन स्वामी विवेकानंद जी के जरिए ही अमेरिका और यूरोप के हर एक देश तक पहुँचा। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफ़ी प्रभावित थे और उन्होंने उनसे सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है और इसलिए जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों की सहायता करता है, इस सेवा के जरिए भी परमात्मा की सेवा की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण की मृत्यु हो जाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया और ब्रिटिश भारत में उस समय मौजूदा स्थितियों का ज्ञान हासिल किया। स्वामी विवेकानंद जी ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया और कई सार्वजनिक और निजी व्याख्यानों का आयोजन भी किया। हमारे भारत में विवेकानंद जी को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में माना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अब स्वामी विवेकानंद जी से जुड़ी कुछ कहानियाँ भी जान लेते हैं। एक बार विवेकानंद जी अपने आश्रम में सो रहे थे और तभी एक आदमी उनके पास आता है और वह बहुत दुखी था और वह स्वामी विवेकानंद जी से बोलता है कि मैं जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, खूब काम करता हूँ, फिर भी मैं आज तक एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस आदमी की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर बाहर घुमा कर लाएं और तब तक मैं आपके समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह आदमी उनके कुत्ते को बाहर घुमाने लेकर चला गया और कुछ देर बाद जब वह कुत्ते को घुमा कर लौटता है तो विवेकानंद जी उस आदमी से पूछते हैं कि यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है और तुम तो बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे हो, आखिर ऐसा क्यों है? तो उस आदमी ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था और यह कुत्ता रास्ते भर इधर उधर भागता रहा और यह कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ने लग जाता था, जिसकी वजह से यह इतना थक गया। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो और इसी के चलते तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस आदमी को समझ में आ गया कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर उधर। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो करना है, जो कुछ भी बनना है, हमें बस उसी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम लोग दूसरों को देखकर वैसा ही काम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। तो हमें हमेशा अपनी मंजिल पर ही ध्यान केंद्रित करके रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु 4 जुलाई 1902 में पश्चिम बंगाल के बेलूर में हुई थी और जिस समय इनकी मृत्यु हुई यह उस समय महज 39 साल के थे। और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो यह थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर एक वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।